आईपीएल 2025 सीजन की मेगा ऑक्शन से पहले सभी 10 टीमों को अपने रिटेंशन का ऐलान करना है, जिसकी डेडलाइन 31 अक्टूबर है। ऐसे में हर फ्रेंचाइजी इस वक्त अपने स्टार खिलाड़ियों के साथ अलग अलग तरह से डील करने में लगी है कि किसे रिटेन किया जाए और किसे रिलीज। इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन में कौन किस टीम से खेलेगा, इसका फैसला अगले कुछ दिनों में हो जाएगा जब मेगा ऑक्शन का आयोजन होगा। उससे पहले 31 अक्टूबर को एक अहम दिन है जब सभी 10 फ्रेंचाइजी अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों के नाम बताएंगी। मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स इस मामले में कुछ चौंकाने वाले फैसले लेती हुई दिख रही है। टीम कप्तान श्रेयस अय्यर के छोड़कर जाने की चर्चाएं लगातार हो रही हैं और अब एक रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसल को इस बार रिलीज किया जा रहा है। कोलकाता सिर्फ 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है जबकि 2 पर राइट टू मैच विकल्प अपना सकती है। रवि स्पोर्ट्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स में फिलहाल 4 खिलाड़ियों को रिटेन करने पर सहमति बन चुकी है। इसमें पिछले सीजन के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और रिंकू सिंह शामिल है। वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर को लेकर अभी भी संदेह की स्थिति बनी हुई है। सबसे बड़ा फैसला आंद्रे रसल को लेकर किया जाना है जो फिलहाल रिटेन होते नहीं दिख रहे। रिपोर्ट में बताया गया कि रसल के साथ इस बात पर डील अटक रही है कि उन्हें किस सैलरी में रिटेन किया जाए। रसल जाहिर तौर पर कम के लिए तैयार नहीं है जबकि फ्रेंचाइजी उन्हें फिलहाल पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पर रिटेन करने का इरादा नहीं दिखा रही। इसका मतलब यही है कि अगर रसल को केकेआर में रहना है तो उन्हें कम सैलरी में रिटेन होना होगा। यहीं पर डील अटकती दिख रही है। अब केकेआर के मालिक और टीम मैनेजमेंट क्या रसल को टीम के साथ रहने के लिए मना पाते हैं, इस पर नजरें टिकी रहेंगी। रसल 2014 से फ्रेंचाइजी का हिस्सा हैं और टीम को 2 बार चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। पिछली मेगा ऑक्शन में उन्हें 12 करोड़ में रिटेन किया गया था। जहां तक बात कप्तान अय्यर की है तो उनको लेकर भी अभी तक अंतिम फैसला नहीं हो पाया। अय्यर को लेकर अलग अलग तरह के दावे सामने आए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि फ्रेंचाइजी अय्यर की ही कप्तानी में आगे बढ़ने को तैयार है लेकिन उन्हें पहले नंबर पर रिटेन नहीं करना चाहती और अय्यर इसी बात से खफा हैं। वहीं रेव स्पोर्ट्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अय्यर को दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स ने बड़े ऑफर दिए और ऐसे में अभी तक उनको रिटेन करने को लेकर अंतिम फैसला नहीं हो पाया। तो केकेआर के लिए जाहिर तौर पर बहुत मुश्किल की घड़ी है कि श्रेयस अय्यर और आंद्रे रसल, अब एक तरफ है आंद्रे रसल जो इतने सालों से केकेआर के लिए खेल रहे हैं और अकेले दम पर मैच जिताने की क्षमता रखते हैं। श्रेयस अय्यर की बात करें तो श्रेयस अय्यर ने आईपीएल 2024 में बल्ले से उतना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था पर कप्तानी उनकी लाजवाब थी जिनके चलते कोलकाता नाइट राइडर्स बहुत टाइम बाद आईपीएल चैंपियन बनी थी। अब मसला यही है कि भाई सैलरी, क्योंकि कोई भी प्लेयर कम में नहीं टिकना चाहता क्योंकि उसे ऑलरेडी बाकी टीमों से अच्छे ऑफर्स हैं। तो जाहिर सी बात है जब आईपीएल में लोग पैसा कमाने ही आते हैं तो फिर प्लेयर भी उसी तरफ जाएगा जहां उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। ये देखने वाली बात रहेगी कि अब रिटेंशन किस तरह से आते हैं।